अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे, खुश व खुर्रम रखे अपने अपने घरों में। और मैं आज शाम रात के लिए देखें फिश को मसाला लगा रही हूँ, नमक और मिर्चें, बस ये सिर्फ नमक और ये खड़ल मिर्चें लगा के, और मैं इसको लेमन के साथ मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। और अभी हम चाय पीने लगे हैं फ्रेंड्स। अब मैं फ़िश फ्राई करने लगी हूँ। फ़िश में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसकी फ्राइंग, ना कि इसकी फ्राइंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप में फ़िश जिस ऑयल में फ्राई करें उसको एक अलग रखें किसी बर्तन में डाल के, क्योंकि जिस ऑयल में हम फ़िश फ्राई करते हैं उसमें दोबारा हम पकौड़े वगैरह फ्राई नहीं कर सकते, एक स्मेल आती है। तो फ़िश के लिए आप अलग ऑयल रखें। ऑयल गर्म हो गया है और फ़िश फ्राई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि ऑयल जो है वो आपका देखें अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। आपने ये नहीं कि नॉर्मल ऑयल हो तो उसमें फ़िश नहीं डालनी। देखें फ्रेंड्स, एक साइड से फ़िश जो है अच्छी तरीके से जब फ्राई हो जाए फिर उसे दूसरी साइड पर टर्न करेंगे। देखें ऐसे हिलाएं नहीं, क्योंकि ये बहुत नरम होती है तो इस तरह ये टूट भी जाती हैं और अच्छी तरीके से फ्राइंग नहीं होती। एक तरह से एक साइड से अच्छी तरीके से पहले फ्राई होने दें और फिर इसको टर्न करें, फिर दूसरी साइड से फ्राई कर लें तो आपकी फ़िश जो है ना बहुत अच्छी फ्राई होगी। फ्रेंड्स देखें फ़िश मेरी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, मैंने इसको टर्न नहीं किया। ये देखें एक साइड, ये देखें बिल्कुल रेड जिस तरह हो गई है एक साइड, तो अब मैं इसको टर्न करने लगी हूँ। फ़िश आप लोग ज़रूर खाया करें, ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। इसमें होता है ओमेगा 3 जो कि हमारी हार्ट डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट करता है, और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और इस फ़िश में होता है विटामिन डी जो कि आपको पता है हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फ़िश बच्चों को तो ज़रूर दें, बच्चों को ज़रूर दें फ़िश। आप कुछ बच्चे नहीं खाते तो आप बस किसी तरह उनको खिलाएँ सही, जब ये ख़ासतौर पर सर्दियों में ज़रूर खिलाएँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक रिसर्च है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च है, उसके मुताबिक आप देखें कि उन्होंने तो रिकमेंड किया कि 2 टाइम जो है ना हमें वीक में खानी चाहिए फ़िश। ये एक हेल्दी जो है ना उन्होंने डाइट प्लान में इसको रिकमेंड किया है कि 2 वीक ज़रूर लें, कि 2 दफ़ा वीक में हम अपने डाइट में फ़िश को ज़रूर शामिल करें। तो फ़िश बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ट्राई करें कि ये आपके डाइट में ज़रूर हो। हम पाकिस्तानी तो वैसे नॉर्मली सर्दियों में ही खाते हैं, लेकिन वैसे ये रिकमेंडेड है कि गर्मियों में भी खाएं तो बहुत अच्छी है। फ़िश जो है ना फ्राई करके ये मैंने तवे के ऊपर रखी है, आप इस तरह फ्राइंग वाली कोई भी चीज़ निकाल के बना रही हूं, बहुत अच्छी। जी बेटा क्या बना रही हूं, बहुत अच्छी स्मेल। मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ आपके लिए, फ्रेंच टोस्ट फ़िश है। तो ये आप तवे पे अगर रखेंगे ना फ़िश को निकाल के, तो ये सारा जो इसमें अंदर होता है या कोई भी फ्राइंग वाली चीज़ को निकाल के ना, तो ये देखें ऑयल इधर तवे पे रह जाएगा और फिर आप ये जो इसके अंदर जो ऑयल होता है ना वो कम हो जाएगा और ये तवे में निकल आएगा। फ़िश जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, अब ये मैं निकालने लगी हूँ। इसको आप आराम आराम से निकालें। और इसका एक और आपको मैं बेनिफिट बताऊं कि ये जिस ऑयल में हम फ़िश फ्राई करते हैं, ठीक है, ये जो है ना आप ठंडा होने के बाद इसको छान के तो लगाएंगे, अगर आप जहां आपकी जोड़ों में दर्द होता है या कहीं तो वहां आप रैप करके रात को गर्म पट्टी लगा के सो जाएं तो ये आपके जोड़ों का दर्द भी इससे ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ़िश जो है, फ़िश का ऑयल आपको पता है जोड़ों के दर्द के लिए बहुत होता है, तो इसमें सारे फ़िश के आप जो होते हैं ना वो आ जाती है इसकी खसूसियात, तो आप ये यूज़ करें ऑयल। जी फ्रेंड्स फ़िश रेडी हो गई है, मैं ये चाट मसाला छिड़क रही हूँ और हम ये चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ इसको इंजॉय करेंगे।